नमस्कार, मैं प्रज्ञा शर्मा और आप देख रहे हैं SW24 न्यूज। खरगोन जिले में कोरोना के मद्देनजर शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश अनुसार खरगोन के मेला मैदान पर रावण दहन किया गया। इस बार रावण दहन के कार्यक्रम में आतिशबाजी नहीं हुई। जिला और पुलिस प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों के बीच शांति और सौहार्द रूप से रावण दहन किया गया। मेला मैदान पर कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका द्वारा मास्क के स्टॉल लगाए गए थे, वहीं थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई। श्री राम जुलूस अपने निर्धारित रूट से होते हुए दहन स्थल पर पहुंचा। यहां पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान और अपर कलेक्टर ML कनेल ने श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान जी की पारंपरिक पूजा की। इसके उपरांत श्री राम ने रावण दहन किया। इस दौरान SDM सत्येंद्र सिंह, नगर पालिका CMO श्रीमती प्रियंका पटेल सहित जिला व पुलिस प्रशासन के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। राज दशहरा है, क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, जैसा विजयदशमी का त्यौहार है जो असत्य पर सत्य की जीत को बताता है और बुराइयों के नाश के ऊपर केंद्रित है, वैसे ही मैं सभी खरगोन जिले के वासियों के लिए उनके जीवन में यही कामना करता हूँ कि उनके जीवन में जो बुराइयों का है वो नाश हो और हमेशा सत्य के साथ वो रहें, और इसमें उनका सहयोग के लिए हमेशा सदैव पुलिस विभाग जो है मध्य प्रदेश पुलिस उनके साथ सदैव तत्पर है। उनके जीवन में आने वाली समस्त बुराइयों को नाश करने में उनके सदैव सहयोगी रहेंगे। आप सभी को पुनः सभी के परिवारजनों को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।